राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। तो आज की रेसिपी भिंडी है, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बनी है। तो ये बन गई है बस एक चम्मच तेल से। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन सच में मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। और एक चम्मच तेल से ही इतनी अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई, मैं आपसे क्या बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो भिंडी को सबसे पहले हम ना पतले पतले साइज़ में हम यहाँ पर काट लेंगे। इसके बाद इसका बीज जो है ना अलग कर लेंगे। इसके बाद इसमें 2 चम्मच हम मैगी मसाला डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे बेसन डालेंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल के यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि अच्छे से मिक्स जो है भिंडी में बेसन और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे यहाँ पे। इसके बाद मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच तेल डालेंगे। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। इसके बाद आधा नींबू जो है वो हम इसमें रस निचोड़ के डाल देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से यहाँ पे मिलाएंगे, ऊपर नीचे करके आप यहाँ पे मिलाएं भिंडी को अच्छे से जब कोटेड हो जाए। इसके बाद हम एयर फ्रायर में हम पेपर हम यहाँ पे रख देंगे और इसके बाद पेपर पे हम भिंडी को ऐसे फैला देंगे। इसके बाद जो है ना अलग अलग रखें, आप चाहें तो 2 बैच में कर सकते हैं, 3 बैच में कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम एयर फ्रायर में डाल देंगे, इसे सेट कर देंगे। यहाँ पे आपको 5 मिनट, सबसे पहले यहाँ पे 5 मिनट आपको करना है और इसके बाद इसे करके छोड़ देना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, मैं 5 मिनट के बाद चेक करी हूँ, इतनी क्रिस्पी बनी थी ना, इतनी क्रंची बनी थी ये भिंडी, मैं आपसे क्या बताऊँ। और इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही लाजवाब बनी थी ये भिंडी। इतनी आवाज़ें आ रही थी इसकी भिंडी की, इतनी कुरकुरी। आप चाय के साथ भी इसे आप इंजॉय कर सकते हैं शाम के नाश्ते में, और दाल चावल पे तो ये मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करें, अब बहुत ही फटाफट बन जाती है, ये बच्चे को बहुत पसंद आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। और वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।